झारखंड से अपनी टीम को लेकर आई हूँ। आप जैसे पीछे देख रहे हैं हरे हरे पारंपरिक परिधान में जो झारखंड की हरियाली को दर्शा रहे हैं, ये झारखंड में पाए जाने वाली एक प्रमुख जनजाति संथाल संथाल के सड़पा डांस को लेकर आए हैं, जो सड़पा के महत्व के बारे में बताएंगे और उसमें जो जो भी वाद्य यंत्र यूज होते हैं, और आप देख रहे होंगे कि उनके सर में वो लोटा है और उसके हाथों में वो सड़पा है। एक्चुअली वो जो उनके हाथों में लकड़ी का बना हुआ सड़पा है, इसी सड़पा की वजह से ही इस नृत्य का नाम सड़पा रखा गया है, क्योंकि जब ये इनको जब बजाया जाता है तो ये सड़प सड़प की ध्वनि उत्पन्न करता है और इसी से ये नृत्य की शोभा को बढ़ाता है। और ये सड़पा नृत्य संथाल जनजाति में ये कहीं कहीं मनाया जाता है और कहीं कहीं नहीं भी। इसी वजह से हमारा ये मोटो है कि इस कला उत्सव के माध्यम से इस नृत्य को सभी जानें और सभी इसके महत्व को पहचाने। अब ये बारी बारी से अपनी टीम का परिचय मैं देना चाहूँगी कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ से इन्होंने ये सीखा और इनके मन में ये कैसे आया कि इसको यहाँ तक लाए। अलीना नितुम दो हुयु कना एलिमा हेम्रम और अलीना बाबा नितुम दो हुयु कना जोसेफ हेम्रम और माँ नितुम दो हुयु कना अनिता हेम्रम और इन दोनों डेम कक्षा 11 रिंग पढ़ा करना और नोआ जहाँ तीरें साबका उना तो हुयु करना सड़पा और नोआ जहाँ लका ले रुया उनकाना उना ताल तक गले आले ले एने जा और नोआ तो पहल खोन गे आले आतु रिंग सेना करना न्याल का अनंजे पहल को एने जा आतु रे उनको साथ इन दुन न्याल का आम लहा खोन गे जैसे नोडे नोडे हुई ना से नोडे जहाँ कंपिटिशन हुयु लगी था ना तो को ले के ना जे इन गाते को ले इन गाते को कुली बड़ा के जे अकय जहाँ आपे आतु करे सड़पा हुआ नहीं एनखान तो कोई के आना बांग तो आले तो बाले बड़ा एनखान तो इन जहाँ कराव का था जहाँ नल का था आजम का था इन एनखान उनागे तो इन मनेरे हुई इन तीन जे उत्पन्न जहाँ मनेरे हेन तीन जे बांग सड़पा सीखा को ले को जे नवा सड़पा अब नवा बन इदिया जनाद अब पहिल हपड़ाम को एनेज तहे अब सांताल समाज रे एनखान ओना समाज रे चा बनवा जहा लुप्त लेन थे ना लुप्त अब अब रकाबा मेनते एनखान दो नवा जतो कुन ले आ कोते सिखवा को तीन को जतो को खुशी ना रस्कै ना को जे उनको हम मौज को नेल के आनवा सड़पा एनेज खतिर ते ओना खतिर ते लेनवा नोडे ले आगु दड़े काना। जैसे आपके सामने ये हमारी एक स्टूडेंट अलीमा हेम्ब्रोम, ये घाटशिला प्रखंड के एक छोटे से गांव झाटी झरना से आई हुई हैं। अभी अभी जो भी इसने कहा ये समझ से परे है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये हम लोग जिस जनजाति से इस डांस को लेकर आए हैं उसी जनजाति की ये भाषा है, उसी भाषा में इन्होंने इस सड़पा नृत्य के बारे में बताना चाहा है कि ये सड़पा नृत्य उनके गाँव में ये होता है, ये सोहराय पर्व में ये नृत्य नाचा जाता है। और जब ये स्कूल में एडमिशन ली, कस्तूरबा स्कूल में एडमिशन ली, तो इन्होंने दूसरे बच्चों से पूछा इस नृत्य के बारे में बताया, तो अन्य बच्चों ने इससे अनभिज्ञता दर्शाई, तो इन्होंने चाहा कि इस नृत्य को सामने लाया जाए और इसी ने सारे बच्चों को बताया कि ये ऐसा होता है और ये सड़पा का परिचय इन्होंने दिया है। और इस सड़पा नृत्य से इसे ये बताना चाहिए कि ये हमारे जनजाति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि पीछे सारे हरे हरे पारंपरिक परिधान में हैं। ये संथाल जनजाति के एक पारंपरिक परिधान है जो विभिन्न तैयारियों में इसका उपयोग करती हैं।